विदिशा जिले की गंज बासुदा पुलिस ने नशे के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के तहत नशे के कारोबारियों की धरपकड़ शुरू की है, जिसमें अब तक कई नशे के सौदागर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। विगत दिनों स्थानीय नागरिकों द्वारा बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने लगातार अभियान चलाकर नशे के कारोबारियों की धरपकड़ शुरू की है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू के निर्देश पर SDOP भारत भूषण शर्मा द्वारा गठित टीम नशे के कारोबारियों की धरपकड़ कर रही है। मुखबिर की सूचना पर पूर्वी रेलवे कॉलोनी से सरजू प्रसाद नामक युवक को पकड़ा। उसके पास से अवैध रूप से गांजा जब्त किया। उनकी कीमत बाजार में 16,000 रुपये थी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध NDPC एक्ट का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने बरेट रोड पर कार्यवाही करते हुए राजा नामक युवक से 32,000 रुपये की ब्राउन शुगर जब्त की। ईदगाह रोड पर रमजानी खान से 32,000 रुपये की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कई जिलों में इसका नेटवर्क, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस पूरे प्रकरण में हमारे पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा साहब मध्य प्रदेश के सभी जिले के उच्च अधिकारियों से संपर्क में हैं और हमें सहयोग दिलवा रहे हैं। क्या राजा तिवारी का मोबाइल जब्त कर उसको खंगाला जा रहा है? क्या उसकी किस किस लोगों से संपर्क थे, किन अधिकारियों से संपर्क थे या किन नेताओं से संपर्क थे? क्या नंबर के आधार पर उनकी जांच की जा रही है क्या? मुख्य अंदर विशेष सीडिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।